So guys, we are here today in Fleming College. मेरे पीछे आप देख सकते हैं, it's Fleming College in Peterborough. बहुत लोगों की क्यूरीज थी कैसा है कॉलेज, क्या है, क्यों है, एवरीथिंग टू नो अबाउट कॉलेज. मतलब देर आर वेरी लेस वीडियोज ऑन यूट्यूब, मतलब बहुत कम लोगों ने इसके बारे में बताया. सो टुडे इन दिस वीडियो आई एम गोइंग टू गिव यू अ टोटल एंड ओवरऑल वॉक थ्रू ऑफ दिस कॉलेज. क्या है, कहाँ पे क्या है, क्या क्या फैसिलिटीज हैं, आप क्या क्या कर सकते हो एज अ स्टूडेंट, कितनी फीस हो सकती है. Basically, I'll try to cover most of it. So stay tuned on this video. Like this video and let's see what's inside. Let's go. So this is the main entrance of our college, Fleming College. ये हमारा main north entrance है. उस side पे जो आप देख सकते हो वहाँ पे सारे bus stops and bus के stops हैं. तो उसका उसके बारे में बाद में दिखाऊँगा. This is our main entrance and we'll enter from here. You'll see a big foyer like this. So विंटर्स के टाइम पे यहाँ पे बैठ के आप चिल कर सकते हो एंड इट्स वेरी कोजी आउटसाइड. मतलब ये बाहर का टेम्परेचर और अंदर का टेम्परेचर बैलेंस करने के लिए बड़ा सा फॉयर बनाया हुआ है. सो इट्स रियली नाइस. सो दिस इज अवर मेन एंट्रेंस राइट देयर. दिस इज द मेन रिसेप्शन. ब्यूटीफुल लेडी सिटिंग ओवर देयर एंड दैट्स अवर कैंपस स्टोर राइट ओवर हियर. वी कैन गो इनसाइड. लेट्स गो. सो गाइस यहाँ पर आके आप अपने मन पसंद की कॉलेज की गुडीज ले सकते हो. ये हमारा मेन सेंट्रल हॉलवे है जहाँ पे सारी तरह की एक्टिविटीज होती हैं. देर आर ऑल काइंड ऑफ सिटिंग्स ओवर हियर विद वेरी गुड व्यूज. बहुत अच्छी लाइट आती है यहाँ पे एंड आई लाइक दिस नॉर्थ ट्रस्ट बिकॉज यहाँ से लाइट जब आती है तो डायरेक्ट एक शेडो का प्ले होता है यहाँ पे. सो इट्स वेरी इंटरेस्टिंग सेक्चर. गाइज ये हमारा इंटरनेशनल डिपार्टमेंट है. जिन बच्चों को अपनी फीस के रिगार्डिंग या किसी चीज़ के रिगार्डिंग भी कोई भी क्वेरी होती है वो यहाँ पर आए. यहाँ पे कुछ लोग होते हैं, कुछ टीचर्स हैं, कुछ प्रोफेसर हैं जो कंसल्ट करते हैं उस चीज़ को एंड दे विल सॉल्व योर इशू. देर इज माई पर्सनल फेवरेट क्वाइट रूम, रिफ्लेक्शन रूम. यहाँ पर आके आप जब भी आपको लाइफ में कोई क्राइसिस हो यू कैन जस्ट कम हियर एंड प्रे. यहाँ पे सारे शो पीस, मैगजीन्स, ऑल टाइप ऑफ एडवर्टाइजमेंट्स ये सब होती हैं. मेक श्योर करते रहा करो, यहाँ पे बहुत तरह की जॉब पोस्टिंग्स होती हैं गाइस. तो मेक श्योर आप करो, उनको चेकआउट करो क्योंकि बहुत फायदा होता है. ओके नाउ लेट्स गो टुवर्ड्स क्रिमॉर्टन्स और द ब्रेक एरिया. सो गाइस ये हमारा जो एरिया है दिस इज ऑल अबाउट फूड एंड लंच सेंटर जहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ स्टोर है. यहाँ पे बर्गर किंग है, यहाँ पे पिज्जा है एंड आई मेन हमारा टिम हॉर्टन्स है यहाँ पे जो कि बहुत सही है. सुबह आओ, कॉफ़ी पियो, आराम से क्लास में बैठो, चिल करो एंड दिस इज़ वन ऑफ माई फेवरेट स्पेस. यहाँ पे बहुत ही अच्छी तरह से स्पेस को डिमार्केट किया हुआ है एंड यू कैन स्टडी हियर, यू कैन डू योर स्टफ. तो ये है स्टील सेंटर क्लब. सो दिस एरिया इज होल ओनली सोली डिमार्केटेड टू अ क्लब नेम बेस्ड ऑन द नेम स्टील. यहाँ पे हर तरह की पार्टीज होती हैं गाइस. यू कैन सी ऑल टाइप ऑफ फैसिलिटीज हियर. सो ये ब्लॉक सी है कॉलेज का गाइस एंड इफ यू वॉन्ट टू सी द प्लान यू कैन ऑल्सो सी इट. और अनएक्सेसिबिलिटी को एक्सेसिबिलिटी बनाने के लिए दे हैव ऑल्सो प्रोवाइडेड लिफ्ट. सो दिस इज ऑल्सो वेरी गुड थिंग. यू कैन सी पिज्जा स्टोर ओवर हियर विच इज़ अ वेरी नाइस चॉइस फॉर पीपल हु आर हंगरी फॉर पिज्जा. वन ऑफ माई इंपॉर्टेंट स्टील पब. सो गाइज लेट्स एंटर स्टील पब. दिस इज द मोस्ट ब्यूटिफुल एंड कूलेस्ट स्पेस इन द कॉलेज. इफ यू वॉन्ट टू हैव ड्रिंक्स यू कैन डू दैट बाई शोइंग योर आई डीज. वहाँ पे बियर, दारू जो आपको पीना पी सकते हो एंड इन टेबल्स को हटा के यहाँ पे बहुत सारी बॉलीवुड नाइट, गुजराती नाइट एंड एवरी काइंड ऑफ लाइक शोज एंड म्यूजिक फेस्टिवल्स होते हैं. सो अगर कॉलेज में हो मेक श्योर इस जगह पे आके बाहर लगे हुए पोस्टर्स को चेक करते रहा करो बिकॉज देर आर सो मेनी थिंग्स गोइंग ऑन अराउंड हियर. एंड यहाँ से बाहर जाकर यू कैन सी देयर इज अ आउटसाइड सिटिंग इफ यू वॉन्ट टू सिट. सो यहाँ पे इट्स जस्ट अ आउटसाइड सिटिंग अगर आपको बैठना है. ऐसे तो मॉडर्न मौसम बहुत प्लेजेंट है बट लेट्स गो इनसाइड. गाइज ये बहुत इंटरेस्टिंग है फ्लेमिंग कॉलेज का. दिस इज़ द एडमिन सेंटर वेयर यू कैन जस्ट एंटर. यहाँ पे सारी तरह की एक्टिविटीज़ होती हैं लाइक यू कैन प्रिंट योर थिंग्स, यू कैन प्रिंट योर स्टाफ, यू कैन मेक योर रिज्यूमेज, ऑल टाइप ऑफ कंप्यूटर्स एंड एवरीथिंग इज अवेलेबल हियर. यू कैन वर्क ऑन इट. यू जस्ट हैव टू पुट योर कॉलेज की आई डी एंड योर पासवर्ड एंड योर अकाउंट विल ओपन इन हियर. यहाँ पे सबसे अच्छी बड़ी बात ये है कि 5 सेंट में आप जितनी मर्जी कॉपीज वहाँ पे जितने भी फोटो स्टैंड मशीन रखी हुई है वहाँ पे आप कर सकते हो एंड यू कैन यूज़ इट अकॉर्डिंग टू योर ओन चॉइस. गाइज ये आईटी सर्वर रूम लैब, ये जो भी लैब है इसके अंदर एक और जगह जो बहुत इंटरेस्टिंग है वो है स्टूडेंट सर्विस. किसी भी बच्चे को अगर पार्ट टाइम जॉब चाहिए, ऑन कैंपस जॉब चाहिए जिसमें वो फुल टाइम काम कर सकता है बिकॉज आप ऑन कैंपस एज मैनी आवर्स काम कर सकते हो. मेक श्योर टू विजिट दिस ऑफिस. यहाँ पे 2-3 प्रोफेसर होते हैं, कुछ लोग होते हैं जो आपकी हेल्प करेंगे. उनको अपने स्किल्स बताओ,
दे विल डिस्कस योर स्किल्स ऑन इट. और अगर आप कॉलेज के लिए एक एसेट काम कर सकते हो, दे विल फॉर श्योर प्रोवाइड यू विद एन अपॉर्चुनिटी. सो मेक श्योर तो आप पढ़ सकते हो करियर सर्विस, ऑफ कैंपस हाउसिंग. यहाँ पे हर तरह की अकोमोडेशन से लेकर डाइवर्सिटी से लेकर हर चीज़ की यहाँ पे फैसिलिटीज आपको प्रोवाइड की जाती है. इट्स अ वेरी गुड थिंग. मेक श्योर टू चेक दिस आउट फॉर श्योर. ये हमारा मेन डेस्क है जहाँ से आप रिचार्ज कर सकते हो अपने अकाउंट को. जो आपके अकाउंट में वहाँ पे शो होगा एंड यू कैन यूज़ दिस अकाउंट टू प्रिंट एज मैनी कॉपी एज यू वॉन्ट आपके रिज्यूमे की और वट एवर यू वॉन्ट. कलर प्रिंट एंड एवरीथिंग इज अवेलेबल हियर. सो दिस इज़ द मेन ऑफिस एंड दैट इज़ द टेस्टिंग सेंटर ओवर देयर. यहाँ पे इनोवेटिव सेंटर है. दिस इज़ ऑल्सो वन ऑफ द वेरी नाइस थिंग. यहाँ पे आप अपने आइडियाज़, क्रिएटिव आइडियाज़ को मैंशन कर सकते हो एंड दे विल बी गाइडर्स, मेंटर्स जो आपको हेल्प करेंगे टू मेक योर आइडिया इनटू बिजनेस. सो दैट्स अ वेरी कूल थिंग. प्रथम, नाउ वी आर गोइंग टूवर्ड्स लाइब्रेरी. विल ट्राई टू स्पीक वेरी लो वॉल्यूम बिकॉज पीपल आर स्टडिंग हियर एंड पीपल आर स्टडिंग हियर. तो ये दिस इज जस्ट अवर मेन लाइब्रेरी एंड यू कैन डू योर रिसर्च पेपर. ऑल टाइप ऑफ मैगजीन्स आर हियर. यू कैन डू वॉट एवर यू वॉन्ट टू डू. एक मैं टिप ये देना चाहूँगा गाइस कि लाइब्रेरी में एज अ बुक कीपर यू कैन अप्लाई फॉर दीज जॉब्स ऑल्सो. दे आर पार्ट टाइम बट दे आर वेरी गुड पेइंग जॉब्स. सो लेट्स गो आउटसाइड. सो दिस इज़ ऑल मेडिकल यूनिट. यहाँ पे सारी तरह की मेडिकल सर्विसेज, नर्सिंग स्टाफ, बायोटेक्निकल साइंस, कुकिंग एंड एवरीथिंग. यू कैन सी देयर इज अ क्लास गोइंग ऑन हियर. ऑल टाइप ऑफ सच कोर्सेज आर टॉट हियर. सो ये आप देख सकते हो. दिस इज फॉर द नर्सिंग पीपल हु आर गोइंग टू ऑप्ट फॉर द नर्सिंग कोर्स. This is their studio. So, this is the main registrar office, accounts office. जो भी आपका fees related issue है, जितनी भी आपकी bursary है, refund है, जो भी है, वो सारा यहाँ पे आपको आप resolve कर सकते हो. There are clerks, accountants and all type of people who are serving you here 24/7 जब तक college open हुआ. So, अगर किसी तरह की query होती है तो आप यहाँ पर जरूर आना and make sure to have your ID with you. तो main reception से जब आप आते हो और आप जब ऊपर चढ़ते हो तो वो ये यहाँ पे मेन ऑडिटोरियम है विच इज़ वेरी नाइस, वेरी स्पेशियस फॉर लाइक 300-200 पीपल. और ये जो आप निशान देख रहे हो ये साइन सारे इंडिजिनियस लोग हैं जो जिनकी वजह से प्लानिंग लैंड एज अ कल्टिवेटेड एंड ऑक्यूपेशन लैंड बना. इंडिजिनियस जो बेसिकली यहाँ के रेड इंडियंस ओरिजिन है वो लोग, तो आज तक उनके साइंस रिटेन किए हुए हैं. गिव देम रिस्पेक्ट. सो दैट इज द मेन ऑडिटोरियम गाइस एंड दिस इज ब्लॉक डी. मुझे पर्सनली बहुत अच्छा लगता है क्योंकि यहाँ से व्यू बहुत अच्छा आता है. और ये जो कर्टन वॉल का यूज किया है यहाँ पे गाइस, दिस इज फैबुलस. लाइक आई डोंट हैव इवन वर्ड्स, दिस इज जस्ट फैबुलस. यू कैन सी दिस इज ऑल जस्ट अ प्रीटी मच स्पेस दैट इज ऑक्यूपाइड एंड ओवरऑल कंसंट्रेटेड. गाइस ये जो स्पेस है ना, ये भी मेरा पर्सनल फेवरेट है क्योंकि आप बाहर बैठ के चिल कर सकते हो अपने फ्रेंड्स के साथ जैसे लोग कर रहे हैं. एंड फॉल के टाइम पे यहाँ से जो व्यू आता है बहुत ही अमेजिंग होता है गाइस. और बहुत सारी फोटोज देखी होंगी आपने यहाँ पे, बहुत सारे लोग बैठ के यहाँ पे चिल करते हैं. एंड अभी हम आपको ऊपर लेके चलते हैं. उससे पहले मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ. इस कॉलेज में क्यूबिकल्स का यूज़ बहुत किया हुआ है. ये दीज आर कॉल्ड प्राइवेट क्यूबिकल्स. अपने लैपटॉप लगाओ, इनको कवर करो और आराम से यहाँ बैठ के सो, काम करो, खाना खाओ, जो करना है करो. दे आर वेरी नाइस टू हैव सम काइंड ऑफ प्राइवेसी इफ यू वॉन्ट. सो आई पर्सनली लाइक दिस अ लॉट. दीज आर ऑल carpentry labs, mechanical labs, plumbing labs for those people, for those students who want to opt for construction courses, wood constructions, plumbing constructions. तो ये उस तरह की सारी labs हैं जो कि बहुत ही अच्छी तरह से organize करी हुई है, बहुत ही अच्छी तरह से design करी हुई है. That has all kind of machines, like industry related जितनी भी machines हैं वो सब यहाँ पर available हैं. इस एरिया के बाद अब हम मूव करते हैं ऊपर वाले एरिया पे जो हमारा लास्ट ब्लॉक है, डी ब्लॉक. दिस इज ऑल द बैक साइड ऑफ द कॉलेज जहाँ पे बहुत अच्छे अच्छे डिजाइन वाले बेसिकली क्लासरूम्स हैं जो कि आप देख सकते हो. दीज क्लासरूम्स आर वेरी नाइस, वेरी नाइसली डिजाइन. एंड चेक दिस कट आउट. दिस इज वन ऑफ द मोस्ट नाइस एंड ब्यूटिफुल थिंग्स मुझे यहाँ पे लगे. और यहाँ से गाइस जो व्यू आता है ना वो तो इट्स लाइक वेरी 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 अमेजिंग. मुझे बहुत अच्छी लगती है पर्सनली ये जगह बिकॉज व्हेनेवर आई फील लो आई यूज टू कम एंड सिट हियर क्योंकि बहुत अच्छा लगता है इस जगह पे आके बैठना. एंड दिस स्टूडियो वाज अवर क्लास क्योंकि इस टाइम पे पूरा क्लेरा हुआ है इन लोगों ने, बट दिस वाज अवर क्लास. और यहाँ पे अभी सेरेमनी चल रही है, कुछ फंक्शन वगैरह चल रहा है, तो वी कैन नॉट गो देयर. दिस इज द आउटसाइड ऑफ द कॉलेज बाय द वे.
and we can see some studios also inside working. I'll show you. So this is the backside entrance of the college, guys. ये वही entrance है जहाँ पे एक बहुत बड़ा सा cutout you can see, and this is also a very interesting place क्योंकि यहाँ पे बहुत कुछ हो रहा होता है and there's a very big parking. इसके पीछे सारा recreational area जो मैंने भी आपको football ground दिखाया था और वो सारा कुछ दिखाया था वो सब इसके पीछे है and there is also a recreational area जहाँ पे swimming pool, gym और ये सब कुछ अवेलेबल है. अभी मैं आपको वहाँ पे लेके जा नहीं सकता बिकॉज राइट नाउ इट्स क्लोज, बट यू कैन यूज़ योर वन कार्ड टू एंटर दैट प्लेस एंड सारी फैसिलिटीज़ को आप अवेल कर सकते हो. तो गाइस ये है एक्सटीरियर पार्ट जो मैं आपको अंदर से दिखा रहा था. यू कैन स्टडी ओवर देयर एंड दिस इज द ग्लेजिंग पार्ट एंड एवरीथिंग. मतलब बहुत अच्छा व्यू आता है यार. मतलब जितनी बार भी मैं इस कॉलेज में आऊँ ना, मुझे बिकॉज आई एम अ फोटोग्राफर एंड आई एम काइंड ऑफ अ पर्सन हु लाइक्स टू शॉट थिंग्स एंड यू नो कैप्चर थिंग्स, उसके लिए मुझे बहुत ही अच्छी जगह लगती है ये. गाइस सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, आके यहाँ पे देख लो. जो बच्चे यहाँ पे आ रहे हैं, पीटरब्रो आ रहे हैं, मेक श्योर द मोमेंट यू लैंड हेयर और जब आप यहाँ पे आते हो, डू नॉट यूज़ योर प्रेस्टो कार्ड और आपके पैसे, बिकॉज कॉलेज वाले आपको आपकी फ़ीस में कॉलेज का बस पास फ्री में देते हैं. एंड उसके बाद आप पूरे पीटरब्रो में कहीं पे भी जितनी मर्जी बार बस एक्सचेंज करना चाहते हो बस एक्सचेंज कर सकते हो, कहीं पे भी जा सकते हो. लिंडसी नहीं जा सकते, टोरंटो नहीं जा सकते, बट विद इन पीटरब्रो इट्स वर्केबल एंड इट्स वेरी नाइस, वेरी चीप. यू डोंट हैव टू स्पेंड एनीथिंग ऑन ट्रांसपोर्टेशन. दैट्स द बेस्ट पार्ट ऑफ इट. सो मिस्टर राहुल, व्हाट्स योर रिव्यू अबाउट दिस कॉलेज? लाइक यू आर अ ग्रेजुएट फ्रॉम दिस कॉलेज एंड व्हाट डू यू लाइक अबाउट दिस कॉलेज द मोस्ट? टू थिंग्स यू लाइक एंड टू थिंग्स यू डोंट लाइक. Quick. So the first thing is like it's a little isolated place. If you wanna do like part-time job, which you're gonna save a lot of money, it's fine. Okay. Because it's a small place and you can save a lot of money. Like rent and accommodation is very cheap. Okay. Also, you can save a lot of money by not going with the transport. It's like the public transport is available for you for free. So it's a good thing or bad thing? It's a good thing. So there are two good things, right? Yeah, exactly. Less rent, less kharcha, and public transportation easily available. And what are the two bad things? Bad thing is like there is no much of exposure to the companies because it's a small place, so you cannot have the same buildings like Google, Microsoft, Infosys and everything. Okay. So if you want to just like come here study, it's fine. But after 2 years, you eventually have to move to Toronto because there are so much buildings and so much population. बेसिकली यहाँ पे जॉब लेना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है इस कॉलेज के बाद क्योंकि इट्स आइसोलेटेड एरिया. इसके अंदर प्लेसमेंट भी नहीं होती, यहाँ पे प्लेसमेंट नहीं होती. सो गाइस लाइक ऑल द कोर्सेज देयर आर नो प्लेसमेंट्स एज सच क्योंकि उसके लिए यू हैव टू अप्लाई ऑन योर ओन. दैट्स द डिसएडवांटेज पार्ट ऑफ दिस कॉलेज. एज सच डिसएडवांटेज नहीं है बट इट्स फाइन. सो इफ यू गाइज आर कमिंग प्लानिंग टू कम हियर इन दिस कॉलेज, मेक श्योर यू हैव अ बैकअप, यू हैव अ फील्ड that you are choosing the course related to it. You should choose your course related to it, guys. So yeah, that's it. Thank you, Rahul. Thank you for the review. So guys, this was all about Sutherland Fleming College campus. And you need to know that this college is one of the most prestigious, most disciplined, or मुझे अभी तक का बहुत ही अच्छा college लगा ये. Because it takes a lot to study in this college. Trust me, यहाँ के course भी difficult है, यहाँ की पढ़ाई भी difficult है and बहुत कुछ सिखा देगी ये जगह आपको. मेरे पीछे अच्छा सा view नहीं आ रहा. I have to end this video with a good view. तो आप ये सारा जो देख रहे हो guys, आपके पैसे यहाँ पे worth it हैं guys. एक last tip मैं आपको ये दूंगा, जो बच्चे Canada अपनी family को support करने, financial अपने finances को संभाल लें, पैसे कमाने के लिए आ रहे हैं, उनके लिए कॉलेज बिल्कुल नहीं है. मैं पहले ये चीज़ बता रहा हूँ, दिस कॉलेज इज़ नॉट फॉर दोज पीपल. जो लोग यहाँ पे सिर्फ पढ़ाई करने, वेरी 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 इन डेप्थ नॉलेज लेने, इन डिटेल रिसर्च करने और फील्ड जॉब लेने आ रहे हैं, ये कॉलेज सिर्फ उनके लिए. बिकॉज दे आर वेरी स्ट्रिक्ट, दे आर वेरी डिसिप्लिन टूवर्ड स्टडीज. दे विल आस्क यू टू गिव योर 40 आवर्स मैक्स इन अ वीक फॉर द स्टडीज. सो मेक श्योर गाइज यू डिसाइड योर कोर्स वेरी वेरी केयरफुली एंड उसके बाद आप ये डिसाइड करो कोर्स क्या लेना है, फील्ड जॉब क्या लेनी है. मेक योर डिसीजंस वेरी वाइजली गाइज. With this note, I will end this video. Make sure to subscribe to this channel. मुझे कमेंट में बताओ आपके कॉलेज कैसा लगा. कोई क्वेश्चन हुआ मुझसे पूछो एंड आई विल ट्राई टू आंसर इट. लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब टू दिस चैनल, बेल बटन दबा देना क्योंकि अब वैसी वीडियोज आती रहेंगी. आई विल सी यू गाइज़.